हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा, सिंगल मदर लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए। तो देखिए आज क्या बन रहा है। आज पराठे बन रहे हैं और चाय बन रहे हैं। और मैं 2 दिन की छुट्टी करी थी मैंने, तो आज मेरी छुट्टी हो गई है ख़त्म। तो मैं काम पर जा रही हूँ और आज सोच रही हूँ कि मैं अपने काम का वीडियो शूट करूँ। तो चलिए मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। सोनी, मेरा पानी आज मेरा ग्लास फूट गया, तो आज मुझे पानी मिला है स्टील के ग्लास में। मेरा ग्लास फूट गया तो मैं पानी पी लेती हूँ पहले। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने काम पर और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पहले पौधों में पानी डाला था। आंटी तब यहीं पे थी, तो आंटी अभी यहाँ पर है नहीं, गई हैं हॉस्पिटल। वो एक डॉक्टर हैं कलावती हॉस्पिटल में। तो आंटी काम पे चली गई थी, तो मैंने सोचा अपना काम का वीडियो शूट कर लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि एक काम वाली बाई बन करके बहुत अच्छी वीडियो शूट कर रही हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने देखा कि वो काफ़ी वायरल हो रही है। तो अगर जब वो एक एक्टिंग करके काम को इतना वायरल कर सकती हैं, तो क्या मैं रियल में काम करके लोगों को नहीं दिखा सकती। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज अपना काम का शूट करती हूँ। क्योंकि मैं घर में तो कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन देखिए फ्रेंड, मैं बाहर बहुत काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पानी भरने के लिए लगा दिया था और यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह काट ले रही हूँ, जो भी आंटी मुझे देखे गई थी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैंने बिना आंटी से इजाज़त लिए मैंने ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आंटी तो है नहीं, वो हॉस्पिटल चली गई थी। तो मैं आंटी से ये कहना चाह रही हूँ कि आंटी, अगर आप फ्यूचर में कभी भी मेरा वीडियो देखती हैं, आप घर में हो नहीं, मैंने ये वीडियो शूट की है, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपके यहाँ आपसे बिना पूछे वीडियो बनाने का, पर मैंने वीडियो शूट किया है। अगर आपको ये वीडियो गलत लगती है तो आंटी बहुत बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैं सिर्फ अपना काम दिखाना चाहती थी कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ और मैं क्या काम करती हूँ बाहर जा कर के। बस, और कोई मुझे उससे कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, मैंने इसके लिए मैं आपसे बार बार सॉरी मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर आकर के अपने घर के सारे ये सब काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे घर के नहीं, सॉरी आंटी जी के घर के, तो मैं सारे यहाँ पे पानी की बोतलें भर दी है, मैंने सारी सब्ज़ी काट ली। तो हमारे वो आंटी सफाई करती हैं, तो मैंने उनके लिए गिलास में शरबत बनाया था, तो एक गिलास उनको पिलाया और एक गिलास मैंने पिया। मैं अपना यहाँ पर, मेरे को 1.5 घंटा काम करना होता है, जो सब्जी वब्जी काटना है, कुछ आटा गूँधना है, तो ये मैं अपना कर लेती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रियल काम करने वालों की भी कोई अहमियत होती है कि नहीं होती है। मैं ये आंटी के सामने भी पूछकर भी शूट कर सकती थी, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था आंटी से पूछने में, क्योंकि हंसते हैं लोग, कहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रही है, हंस मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। एक कुछ कारण तो यही था कि मैंने आंटी से नहीं पूछा। वैसे मैं चाह रही थी पूछना, पर मैंने नहीं पूछा फिर, क्योंकि आंटी हॉस्पिटल भी जा रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो मैंने अपना सिर्फ काम का वीडियो बनाया था। बस आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, कोई चोरी नहीं कर रही। अगर मैं अपना काम का वीडियो दिखा रही हूँ कि मैं बाहर जा करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, तो बहुत लोगों को ऐतराज़ भी होता है, दिक्कत भी होती है कि बाहर जाती है और वहाँ पे जाके वीडियो शूट करती है। कुछ लोग गलत गलत कमेंट भी करते हैं, गलत बातें भी बोलते हैं। तो मेरा बस मेरा यही पर्पज़ था कि मैं काम करती, कोई चोरी नहीं करती मेहनत का, तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने काम का वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने, अभी मैंने लोगों के सामने वीडियो बनाओ तो लोग मजाक उड़ाते हैं, आई बड़ी यूट्यूब बनने वाली। तो मैं आप सबको बातों को इग्नोर करती हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। तो बस मैं ये है कि लोगों के सामने वीडियो कम बनाती हूँ, घर में ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो यही वजह से मैंने थोड़ा आंटी से कहते हुए भी डर रही थी कि आंटी पता नहीं कहेंगे एक काम वाली भी वीडियो बना रही है। तो ये मेरा रियल काम है जो मैं यहाँ पर आ कर के करती हूँ। तो ये हमारी आंटी है, देखिए ये अपना यहाँ झाड़ू पोछा करती हैं। तो मैंने आंटी को बोला, तो आंटी कह रही क्या कर रही है। तो आंटी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, आंटी कह रही कोई बात नहीं, करो अपना काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आज मैं यहाँ पे बर्तन तो नहीं करती हूँ,
लेकिन आज उनके काम वाली नहीं आई हुई, तो मैं यहाँ पे बर्तन कर देती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और पेड़ पौधों में पानी डाल देती हूँ। वैसे मैं चाह रही थी कि आंटी बर्तन धोने का भी काम मुझे दे दें, पर आंटी नहीं दे रही थी, तो एक दो बर्तन पड़े थे, आंटी ने कहा इसे धो देना, वही मैं यहाँ पर साफ करके रख रही हूँ। और आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी हिम्मत, सब लोग बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर मैं काम का वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों से बस यही जानना चाहती हूँ कि मुझे काम का वीडियो शूट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और ख़ास तौर पे काम वाली भाई का, क्योंकि जो मैं करती हूँ मेरी लाइफ क्या है, रियल लाइफ दिखाना। मैंने अपना चैनल भी इसी नाम से बनाया है, रियल लाइफ, तो ये मेरा रियल है, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। घर में तो बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो मतलब छोटे बड़े सब, तो वो अपना काम करते हैं, मैं बाहर जो आके काम करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा लगभग लगभग आधे से ज़्यादा कुछ काम ख़त्म ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैं प्रेस कर लेती हूँ थोड़े बहुत, जो अभी आंटी है नहीं, जब तक आंटी नहीं आती तो मैं अपने यहाँ पे कपड़े प्रेस करके निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस करके मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे इन्हीं एक डेढ़ घंटों के बीच में सारे काम निपटाने होते हैं, जो बच जाते हैं उन्हें मैं छोड़ करके चले जाती हूँ, अगले दिन देख के अपना टाइम देखती हूँ उसी हिसाब से मैं कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर बस यही सब काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं इतने कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ, इतने बचे हुए, तो ये कल करूँगी, आज नहीं करूँगी। तो मैं घर आ गई थी तो मेरा कूलर ख़राब हो गया, तो मेरे कूलर की घास एकदम वैसी हो गई थी, सड़ गई थी। तो मैं अपने भाई, मेरा भाई उसी टाइम ही आया, तो बोला, मैंने अपने भाई को बोला, तो मेरा भाई मेरे साथ आया घास लगवाने के लिए। बहुत महंगी घास पड़ गई है मेरे कूलर में, तो देखिए मैं कूलर की घास डलवा करके आ गई हूँ और अब मैं लेटी हूँ, थोड़ी सी हवा खा रही हूँ ठंडी ठंडी। तो ये शाम का वीडियो है, तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।